बार भूत बेटा जीरा मिल गया। प्याज है और ये हमारी सब्जी काट के दे दे हमें। विषय की उसका एडमिन मतलब सब संभालता है। इससे तो कॉपीराइट नहीं आएगा ना। सोलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीना वंसल व्लॉग्स। तो अभी है ना देखिए इधर मैंने साड़ी पहनी थी रील्स बनाने के लिए बट नहीं बना पाई। मोबाइल में देखा तो चार्ज खत्म हो गया था मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो मैं क्या बोलते रील बनाने के लिए रेडी हुई पर मेरा मूड अचानक से ऑफ हो गया मेरा। मुझे बहुत बुरा लगा है आज बहुत बुरा लग रहा था। क्यों हुआ? क्योंकि है ना मैं रील बनाने के लिए रेडी होती हूँ कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है मेरे साथ में। तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी मुझे खराब लग रहा था। जो अभी है ना क्या बोलते हैं मैं ना सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर से मैं ना रील शूट करूँगी कुछ थोड़ी बहुत। तो इंस्टा पे आई थी रील आप जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अभी मैं बनाऊँगी साबुदाने की खिचड़ी। और अभी मुझे बर्तन यहाँ रखना पड़ते हैं अपने क्योंकि है ना अंदर चूहे सारे बर्तन खराब कर देते हैं पोटी कर देते हैं उसमें। तो मुझे ना इसमें ही रखना पड़ती है। तो अभी मैं क्या करूँगी अब मैं साबुदाने की खिचड़ी बनाती हूँ। पहले मैं चेंज बाद में करूँगी सबसे पहले साबुदाने की खिचड़ी बनाती हूँ। तो किस किस को साबुदाने की खिचड़ी पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा ओके। तो चलो खिचड़ी बना लेते हैं। उसमें से एक कप एक को मैंने भेजा है वो हो सकती है। इसमें बना रही हूँ अब साबुदाने की खिचड़ी। उसके लिए आज मेरे बर्तन गले रह गए हैं रील के चक्कर में और इनके चक्कर में देखो मेरा कितना काम रह जाता है। और ये मैंने ना आज ही रख दी बट मैं रखती नहीं हूँ मैं तो ना हाथों हाथ धोना ही पसंद करती हूँ। रात को भी मैं धोकर रख देती हूँ। तो अभी मैं ना बर्तन धोऊंगी पहले मैं खिचड़ी बना लूँ फिर पूरा किचन में एक बार मैं साफ कर दूंगी जब मैं चेंज करूंगी कपड़े से काम रह गया है। सबसे पहले मैं दाने सेक लेती हूँ उसके अंदर लेके। पैकिंग वाले दाने नहीं दिए ये दाने इस वजह से इतने काम रह गए हैं। तो देखते हैं कैसा बनता है और कैसी साड़ी ली है ये भी जल्दी ही पता चल जाएगा वो तो। बाकी हाँ ब्लाउज पहले देखने को मिलेगा आपको अभी सिलूंगी ना। हमारी भर गई है पानी फैल रहा है उधर और इधर हमारे साबुदाने की खिचड़ी बन गई है। और बर्तन भी मैंने धो दिए हैं देखिए मुझे बर्तन डले रहते काफ़ी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बट आज है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो बच्चों से जैसा किचन साफ होता है यार वो वैसा कर लेते हैं। ज़्यादा मैं आज थक गई हूँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैंने पूछा नहीं इस तरह बनाई ज़्यादा नहीं रेडी। तो मैं ऐसे हो गई थी जैसे बहुत रील बना के आज फेंक लूँगी सारी रील्स बट कोई सी भी रील नहीं बना पाया मुझे बहुत दुख हो रहा है। एक साथ है ना कम से कम 10-12 रील बनना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ मेरे से मेरा उठने का मन नहीं हो रहा है। देखो मुझे सब्जी बनानी है सब्जी प्याज है तो ये हमारी सब्जी काट के दे दे हमें। और ये कौन सी फली है फोटो से निकाल लेना। ये कौन सी फली है कमेंट में बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है मैं यही वाली फली बनाऊंगी। काफी दिन हो गए खाए मुझे कभी पसंद नहीं आती है ना। सबसे अच्छी सब्जी लगती है मुझे ठंड में। जब ठंड रहती है ना तब अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती है। इतने ज्यादा पेट दर्द हो रहे ना पहले इस रूम में जाओ फिर उसमें जाओ किचन में जाओ फिर इधर जाओ फिर छत पे भागो फिर छत पे से नीचे आओ फिर जाओ फिर आओ। और देखो इनको एक तकिया माँ एक तकिया माँ और नीचे कचरा देखो यही काम। चलो यार मैं पहले चेंज करती हूँ उसके बाद काम करूंगी। मेरे कान में दर्द भी होने लगा है इतने बड़े बड़े मैं पहन नहीं पाती हूँ। परेशान नहीं करता है मेरे पीटर बहुत प्यारा बच्चा है मेरा छोटा सा। मम्मी पानी नहीं पटका है पानी
और आपको बता दे, जानकारी के लिए आपको बता दी जाए कि हम लोग है ना उल्टी पेंट पहनते हैं, जो कि देखिए किस तरीके से पहनते हैं। और देखिए उल्टी इधर इसमें दाने निकलेंगे, मुझे सबसे ज्यादा इसके दाने अच्छे लगते हैं, ये फली में रहते हैं ना। पता है मेरी मम्मी है ना ऐसे दाने लाती थी इंदौर में, बड़े बड़े आते इसके दाने भी निकलते इतने बड़े बड़े, उसकी सब्जी बनाते थे और उसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है सच में। और एक इसी में की फली आती है, किस किस ने देखी है कमेंट में बताना, ब्लैक कलर की आती है, पूरी ब्लैक आती है, तो उसके अंदर दाने निकलते बड़े बड़े, वो कभी भी छोटी नहीं आती, वो इस तरह की फुली हुई आती, उसके भी दाने निकलते हैं। तो दाने की सब्जी बनती आलू डाल के और बहुत टेस्टी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो किस किस को पसंद है ये कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसको काटने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, कटिंग करो इसको सबसे ज़्यादा इसी में टाइम लगता है, इससे भी इंसान ज़्यादा कट जाती है। कुछ पतली रहती तो कट जाती है। और हमारे घर में एक बंदर ये अनलिमिटेड मूवी चलती रहती, कार्टून दिख रहे हैं बेटे आराम से। और अभी मैंने मेकअप साफ नहीं किया, दिख रहा है मेरा, मैंने अभी कपड़े ही चेंज किए, जब मैं सोऊंगी ना तब कर लूँगी, तब तक और रहने देंगे। तो चलो गाइस अभी खाना बनाएंगे ना, सब्जी कैसे बनाते हैं मैं दिखाती हूँ, इसकी सब्जी में कैसे बनाती हूँ दादा से। चलिए प्याज और लहसुन दोनों का मिक्स कूट रही है उसके अंदर, वो पता है पीयू डर रही है बाहर है कि ना, पीयू डर रही है बाहर है ना, एक अंकल आए हैं मतलब गांव से आए हैं, समझी लगेगी हमारे तो वो, क्योंकि क्या है ना सिलोली के वो मेरी जो मैं दादी बन गई हूँ, मेरी पोती के ससुर है वो, तो आज आए हैं मेरी पोती के ससुर, तो पीयू है ना मुझे डर रही, मम्मी ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर घूम बैठा, बुजुर्ग है वो, कोई एकदम अजीब सी बातें कर रहा है, थोड़ा बहुत अजीब लोगों से लगता है, तो पीयू को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ये क्या है ना दिन भर हॉरर मूवी देखते है ना, हॉरर सीरियल, इसीलिए इसको ऐसा लगता है। नहीं ऐसी बात नहीं है मामा, बट ना एकदम देख के ही थोड़ा सा अलग ही लग रहा था कि तुम मुझे टकर टकर देख रहे हो इसीलिए। नहीं वो पापा का इंतजार कर रही है, आने वाले हैं अभी, इनका इंतजार कर रहे हैं, उनको बोला है कि आप मजा जाओ मैं आ रहा हूँ। अभी देख सकते क्या क्या डाला है इसमें, पवाड़ा मैं भी बोलना चाह रही थी, अरे यार कितना तेज चालू कर दिया मैंने इसको, ये देखो ये रहा जीरा गया। वो भी थोड़ा सा नहीं इतना सारा मिल गया, अरे मुझे ऐसा लगा खत्म हो गया है रखा था, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भूल जाती हूँ, बूढ़ी हो गई याद दस समझो, किचन बहुत गंदा हो रहा, किचन मत दिखाना बिल्कुल मत दिखाना, ऊपर का साफ करना है इसको पूरे ब्लॉग। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा, और बिना गैस बंद करे डालेंगे, ठीक है बिना गैस बंद करे जीरा डालेंगे, नहीं आज तेल ज्यादा गर्म हो गया था इसीलिए, तो इसको अच्छे से कूट लेंगे, बारीक बारीक काट भी सकते हैं। सब्जी बना लेते हैं, उसका रोटी बनाएंगे, तो अभी प्याज भून लेंगे इसमें अच्छे से, इसको इसमें ले लिया सब सूखे मसाले, और इसमें हम डालेंगे पानी, तो इसको थोड़ा फुला कर डालो तो स्वाद अच्छा आता है। मैं ऐसे ही सब्जी बनाती हूँ, मेरी सब्जी की हमेशा ऐसे ही कसर होती है। इधर क्या हुआ, मैं ब्लॉगिंग आप थोड़ा सा एंड करूंगी, अभी मेरा फोन में रिचार्ज, मेरा फोन है ना रिचार्ज होने वाला है, मतलब चार्ज करना है, तो ये डाल दिया है, उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको सूखा ही बनाते हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के
उसको ढाक देंगे और ये अच्छे से पक जाएगा। उसको सूखा ही बनाते, मतलब थोड़ा सा गीलापन पे रहना चाहिए बस, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनती है सब्जी। ओके, मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब तक मैं मोबाइल अपना चार्ज कर लेती हूँ। सुबह सब्जी बन गई है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बस कढ़ाई पे ध्यान नहीं दीजिएगा, कढ़ाई अभी काफी दिन से मैं सही साफ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे साथ थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है। करूंगी रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के इसके साफ करूंगी। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। देखिए रोटी बढ़िया हमारे यहाँ पे गर्म, तो रोटियां भी बन रही है। रोटी नहीं रख रही कैसरोल, मेरा चूहे ने खराब, बहुत ज्यादा खतरनाक वाले हो गए बड़े को, वो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है सच में, कल मेरे पैर पे चढ़ गया। मैं ना एक बार किचन में लाइट बंद करती हूँ ना, सब कुछ सामान फ्रिज में रखती हूँ, बर्तन को बाहर रखती हूँ, किचन पूरा खाली कर देती हूँ, उसके बाद है ना मैं किचन में घुसती ही नहीं, एंट्री नहीं करती हूँ। हाथ को सोचो ओडा डर लगता है मुझे चूहों की वजह से, पहले आती भी ना भाई चल, तो मैं गेट ठोकती हूँ ताकि चूहे भग जाए बाहर।